माई डिश। आज माई किचन में हम जो रेसिपी आपको सिखाने जा रहे हैं इसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये बहुत ही फेमस रेसिपी है, फेमस डिश है, लेकिन इसे बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और पर ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बनाने में तो खैर बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। तो आइए हम आज आपको मुर्ग़ मुसल्लम बनाना सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये 1.5 किलो के 2 चिकन लिए हैं। इन्हें अच्छी तरीके से साफ करके धो के और फिर हमने इन्हें टॉवल से पोंछ दिया है, पानी पूरा अच्छे से साफ कर दिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम ये इस तरीके से कट्स लगाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए। ये ऐसे कट्स लगाएंगे सभी चिकन के ऊपर, दोनों चिकन के ऊपर हम इसी तरीके से ऐसे कट्स लगाएंगे। ये हमने दोनों चिकन के ऊपर इस तरीके से डीप कट्स लगा दिए हैं। अब हम इन्हें मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनके ये शोल्डर, ये दोनों, ये दाने, ये जो ऐसे रहते हैं, इन्हें ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है दोनों साइड, दोनों। ये हमें ऐसे फोल्ड करना है, इसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं। इसके बाद हम एक वेसल में इस मैरिनेशन का मसाला मिक्स करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दही। 2 चिकन है, अच्छे से दही चाहिए, कम से कम आधा प्याला दही चाहिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2-3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए। 2 लेमन का जूस, इस मुर्ग़ मुसल्लम को बनाने में कुछ मसाले हमें फ्राई करके पीसने होते हैं और कुछ मसाले हमें मैरिनेशन में डालने होते हैं। 3 बड़े चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक स्वादानुसार, हमने 2 चम्मच नमक यूज़ किया है मैरिनेशन के लिए और इसे एक अच्छा कलर देने के लिए। मेरे पास ये टोमेटो रेड कलर है, लेकिन टोमेटो रेड कलर से कलर इतना अच्छा नहीं आता है, इसके लिए हम इसमें मिक्स करेंगे ये ऑरेंज कलर, टमेटो रेड कलर के साथ में ऑरेंज कलर मिक्स करेंगे और ये पूरे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद इसे हम दोनों चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से अंदर बाहर सब तरफ अच्छी तरीके से लगाएंगे। इसे खाने टाइम पे डालेंगे। इसके अंदर हम मसाले पूरे अच्छी तरीके से अंदर, पहले तो सबसे पहले अंदर लगाएंगे मसाले, उसके बाद हम इसमें ऊपर इस तरीके से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। चाहे तो ओवरनाइट इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाते हैं। हमने 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट कर रहे हैं। अच्छी तरीके से मसाले, ये जो कट्स हैं, इनके अंदर चले जाना चाहिए। देखिए 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख लेंगे। का धागा लेकर इसके जिस तरीके से हमने इसके दोनों हाथों को, मीन्स दोनों जो फेदर का हिस्सा होता है उसको हमने पीछे फोल्ड कर दिया, विंग्स का हिस्सा हमने पीछे फोल्ड कर दिया है। उसी तरीके से ये लेग पीसेस को हम मोटे धागे से ऐसे लपेट के बांध देंगे ताकि इसको पकाते टाइम पे ये ऐसे बुरी तरीके से फैले नहीं। अब ये हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। मुर्ग़ मुसल्लम, मुसल्लम से मतलब मीन्स समझ में ही आता है कि मसालेदार। तो इसके मसालों के लिए हमें कुछ मसाले फ्राई करने हैं और कुछ मसाले भून कर पीसने हैं। तो ये मसाले हमें ड्राई रोस्ट करने हैं। धनिया 2 tablespoon, 1 tablespoon काली मिर्च और 1 tablespoon जीरा। ये हमें भून कर रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके पीसना है। और ये है अदरक, बादाम और काजू। काजू और बादाम मिला के ये कम से कम 150 ग्राम है। 150 ग्राम काजू और बादाम और अदरक, इसे हमें फ्राई करना है। साथ में ये है अनियन, लंबे कटे हुए 3 बड़े साइज़ के अनियन, प्याज लेकर हमने उन्हें लंबा कट किया है और इन्हें हमें फ्राई करना है। ये अनियन, काजू, बादाम और अदरक, ये चीज़ें हमें फ्राई करनी है। और ये धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, ये हमें रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। इसे हम, कढ़ाई गर्म हो गई है, इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करके हमें इसे निकाल लेना है। साथ में ये ड्राई रोस्ट के साथ में हमें 3-4 सिनेमन स्टिक, जावित्री, 6 लौंग, 3 बड़ी इलायची और 10-12 छोटी इलायची, इन्हें भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ये बादाम, काजू और ये अदरक, ये चीज़ें हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके इन्हें निकाल लेंगे, लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करके हम इन्हें निकाल लेंगे। ये अनियन हमारा फ्राई हो रहा है। ये 3 बड़े अनियन को हमने लेंथ वाइज बराबर कट किया है। इसे फ्राई करके हम इसमें से निकाल लेंगे और उसके बाद इसे हम पेस्ट बनाएंगे। वाले मसाले इधर उधर हो गया है, उसे हम अच्छी तरीके से बनाएंगे और इसे हम ऐसे फ्राई करेंगे, बिल्कुल गरम तेल में ऐसे फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम दोनों चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करते टाइम पर हम फिर से थोड़ी सी लाल मिर्च ऊपर से डालेंगे, ऐसे स्प्रिंकल करेंगे लाल मिर्च। इसका फ्लेवर बहुत शानदार आता है। इसके लिए इसे हम पलट लेंगे, दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ऐसे बिठा के फ्राई करेंगे, इसे ऐसे बिठा के फ्राई करना है। अच्छा, इसे हम फ्राई क्यों कर रहे हैं? इसे हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं कि जो जूसेस हैं चिकन के, वो उसके अंदर ही ऑब्जर्व हो जाए। वो पकाएंगे अगर डायरेक्टली ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे और मसाले के अंदर डायरेक्टली पकाने डालेंगे, तो जब ये चिकन पकने लगेगा तो इस चिकन के अंदर के जूसेस बाहर निकल आएंगे और वो मसाले में मिक्स होंगे। और ऐसे फ्राई करने में ये चिकन के अंदर का जो अपना नेचुरल जूस है वो चिकन के अंदर ही इंटैक्ट हो जाएगा। सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें ही इंटैक्ट हो जाएंगे उसके अंदर ही। और ये देखिए, जो हमने कट्स मारे थे ये फ्राई करने में कितनी खूबसूरती से उभर के आए हैं, एक डिजाइन जैसी बन जाती है इसके ऊपर। तो इससे चिकन सूखा हुआ भी नहीं लगेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अभी ये बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ से फ्राई हो गया है। इसे हम इधर से फ्राई करेंगे, इसे घुमा के चारों तरफ से फ्राई करेंगे। दोनों चिकन को हम ऐसे घुमा के फ्राई करेंगे। ये फ्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है मुर्ग़ मुसल्लम के लिए। It seems to be very difficult to fry this. Yes, it is difficult to fry. And it is very complicated to cook. The spices are very complicated. Some are roasted, some are fried, some marinated. But ये चिकन हमारा चारों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। इसके जूसेस इसके अंदर इंटैक्ट हो चुके हैं, हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से दूसरे चिकन को भी फ्राई करेंगे। आप देखते जाइए हम इसमें क्या क्या करते हैं। ये बड़े बड़े चिकन है, 1.5-1.5 किलो के एक चिकन है ये। उसे भी ऐसे हम फ्राई करेंगे। इसके ऊपर ये जो मैरिनेशन का बचा हुआ मसाला है ये भी हम डालेंगे। ये दोनों चिकन हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं, मसालों के साथ में फ्राई हो गया, मैरिनेटेड मसाले के साथ में। अब ये बचा हुआ मैरिनेशन का मसाला हम ऑयल के अंदर पकाएंगे। ये जो दही बच गई थी ये भी हम इसमें मिला देंगे और इसके साथ ही जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो और जो मसाले हमने फ्राई किए थे वो, उन्हें पेस्ट बना के हमें इसमें डालना है। अभी हम उन्हें, ये मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है इसलिए हम जल नहीं रहा, इसलिए हम ये गैस बंद कर देंगे, माइक्रोवेव करेंगे 100 डिग्री के ऊपर। इसे हम थिक फिल्म से रैप कर लेंगे। देख सकते हैं इसके कट्स कितने अच्छे से बने हैं और फ्राई हुए हैं। इट्स लुकिंग ऑसम। ये हम क्लिंग फिल्म से इसे रैप करके 5 मिनट तक माइक्रोवेव में पका लेंगे। कभी भी क्लिंग फिल्म से रैप करने के बाद 2 होल कर देना चाहिए। इसे हम 2 होल कर देंगे। अब हम ये जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे और जो मसाले हमने बादाम, काजू, अदरक और अनियन को हमने जो फ्राई किया था उनका हमने ये पेस्ट बना लिया। अब ये जो मसाला पक रहा है, मैरिनेशन का मसाला जो पक रहा है, इसके अंदर हम ये मसाला ऐड कर देंगे और इसे भी भुने हुए तो हैं ये, अच्छी तरीके से थोड़ी देर पकाएंगे और फिर इसे सर्विंग डिश में हम सर्व करने के लिए निकालेंगे। अभी इसे पकाना है, नमक वगैरह चख के बराबर करना है। देखिए ये पूरे मसाले अच्छी तरीके, और ये भरपूर मसाला होगा, कम से कम 10-12 लोग आराम से ये इतना मुसल्लम खा सकते हैं। थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। बना के भुनने के लिए डाला था, अच्छी तरीके से भुन के तैयार हो चुका है और माइक्रोवेव के अंदर हमारा चिकन रेडी हो चुका है। मसाला हमारा उधर तैयार हो चुका है कढ़ाई में और ये माइक्रोवेव में हमारा चिकन पक के तैयार हो गया है। इसे हम बाहर निकालेंगे। क्लिंग फिल्म बड़े आराम से उतार लेंगे। चिकन 5 मिनट्स में इतने अच्छे से पका है। इसे हमने अब चेक करना है कि अंदर कितना पका है। देखिए हमारा चिकन अच्छी तरीके से पक गया है, चाकू बिल्कुल साफ होकर बाहर निकल गया है, टेंडर हो चुका है, आराम से हाथ से टूट रहा है। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारा मुर्ग मुसल्लम का मसाला तैयार हो चुका है। ये हमारा चिकन तैयार हो चुका है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। इसके ऊपर से हमने ये चावल के ऊपर हमने चिकन रख दिया। अब हम इसके ऊपर ये मसाले की गार्निशिंग करेंगे। ये जो हमने मसाला तैयार किया है इसके ऊपर से हम ये एक गार्निशिंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही रिचली कुक्ड है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ रिचनेस। ये हमने अंडे को इसके पेट में डालना है। इसके ऊपर से और मसाला डालना है। ये हमारा फुल मुर्ग़ मुसल्लम नान और चपाती के साथ खाने के लिए तैयार है। इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे हरी धनिया, पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्तों से बहुत शानदार खुशबू आती है। इसके ऊपर ये सारी चीज़ें गार्निश करने के बाद हम इसके ब्राउन अनियन से गार्निश करेंगे और साथ में रखेंगे लेमन के स्लाइसेस। ये साथ में रखेंगे लेमन के स्लाइसेस। अब ये खाने के लिए बन के तैयार है। इसे अपने घर में बनाइए, सबको खिलाइए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।